हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये दिवे वाला डिज़ाइन, ठीक है। तो ये वाला डिज़ाइन को हम मतलब परफेक्ट बनाएंगे, पूरा रिपीट के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन को बना लेते हैं और डिज़ाइन को बनाने से पहले इसको कर देंगे लॉक, कैसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ से जम निकाल देंगे। उसके बाद इसका आपको पहला काम करना है स्टिच सेटिंग कर देना है, जिस हिसाब से आपको बोला जाए 70, 80, 90 जितना बोला जाए। तो ऐसे नॉर्मल 70 रहता है तो मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ। आपके यहाँ कितना चलता है वो आप देख लेना। तो हम इसके ऊपर ये रेड कलर में हम इसको बनाएंगे येल्लो कलर में। तो यहाँ से मैंने येल्लो कलर दे दिया है, हम इसको बनाएंगे बैक स्टिच में। बस मैं फटाफट डिज़ाइन बना लेता हूँ और इसकी सबसे पहले आपको बॉर्डर ही बनाना है गाइस। यहाँ पे ये वाला बनाएंगे तो इसके लिए आपको पता है एक सर्कल लेना पड़ेगा। सर्कल लेने के बाद इसको यहाँ पे इसको हम स्टेम स्टिच में कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा सेटिंग कर देंगे। इसको कलर तो येलो ही है। उसके बाद ये वाली बॉर्डर बना लेते हैं। इसके बाद ये बन गया। इसके बाद सिंपली आपको कुछ सेटिंग नहीं करना है, यहाँ पे रेट में चले जाना है। 5 सिलेक्टेड ही हमारे 5 ये है डी करके, हम इसको थोड़ा मिडल में सेटिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से इसको कर देंगे नो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया है। उसके बाद ये वाला बना देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया है। अभी इसके अंदर का हम कलर फिल कर देते हैं। तो कलर फिल करने के लिए आपको ये सबको सिलेक्ट कर लेंगे साथ में ही, ये जितने भी पट्टियाँ है आजू बाजू सबको सिलेक्ट कर देते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद यहाँ से आप किसको कर दीजिए कंबाइन। तो यहाँ पर ये पट्टी में कलर आ गया और सॉरी चलो कोई बात नहीं, फिर से सिलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। साथ में कलर चेंज करना था तो इसका कलर हम कर देते हैं। कौन सा रखते हैं, चलो रेड कलर रखते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद ये इसका जो स्टिच एंगल है वो हम सेट कर देते हैं बारी बारी सबका। यहाँ पे यहाँ तक हमारा बन गया है।
अभी ये बीच वाला बना लेते हैं, इसका कंट्रोल डी करेंगे कंबाइन, कंट्रोल एच करके इसको रिसेप कर देंगे, और इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला। यहाँ पे कंट्रोल डी कंबाइन, कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद इसका स्टिच एंगल जाएंगे सही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डी कंबाइन, इसका थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं फटाफट इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला कलर भी हो गया। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका कलर भी हमको डालना है। तो सिंपली हम इस सबको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंबाइन कर देते हैं और ये वाला कलर डाल देते हैं। सबका एंगल स्टिच एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है। अभी इसको हमको इसके ऊपर कॉपी कर देना है। ये इसका रिफ्लेक्ट मतलब वर्टिकल कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले हमको ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आएंगे, या फिर आप कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक दबा के भी आप कर सकते हो। उसके बाद इसको यहाँ से हम कर लेंगे मिरर वर्टिकली, और यहाँ पर इसको सेट कर देंगे इसके ऊपर। यहाँ पे यह सेट हो चुका है। अभी यहाँ पे इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, हम अनग्रुप करेंगे और एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का ये हमारा अभी भी करके मैं पहले ये कलर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसका रिपीट सेट करेंगे। ये वीडियो वाला रिपीट सेट वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, और परफेक्ट पंचिंग करेंगे और परफेक्ट मतलब एकदम लेस वाला डिज़ाइन आपको बना के दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।